जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है, उन्होंने एक नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस दिया है 9 एक्सचेंजेस को, जिसमें बाइनेंस, क्यूकॉइन, हॉबी, करेकन, गेट, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्सई और बिटफिनिक्स, ये सारी एक्सचेंजेस आती हैं। और ये सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो रहा है कि ये सारे के सारे हम जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होल्ड कर रहे हैं, डिजिटल एसेट्स हमारे जितने भी हैं, उनको किस जगह पे डाला जाए, कहाँ पे रखा जाए या फिर ट्रेड कहाँ पे किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो तो सिर्फ एक या दो ही हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो वहां पे हमें फी काफी ज्यादा देनी पड़ेगी और टीडीएस भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सलूशन नहीं है कि हम 1% टीडीएस भी दें और फी भी काफी ज्यादा दें, क्योंकि ये जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि अगर यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें, विड्रॉल की बात करें, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पिछले वीडियो में आपने चेक किया होगा कि मैं वजीरेक्स का भी बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप INR डाल देते तो आप क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर पाओगे, P2P में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी का आज मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऐसा एक्सचेंज जिसके ऊपर आपको KYC करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके ऊपर आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने डेक्स यूज किया और उसके ऊपर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, बल्कि ये सेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर स्पॉट एंड फ्यूचर्स दोनों की मार्केट है। ऑलरेडी ये एक्सचेंज 20 टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में रह चुका है और इसमें जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है एवरेज 9.4 बिलियन का रहता है। तो आपने ये भी सुना होगा कि शायद हमें आने वाले समय में ऐसी एक्सचेंज यूज करनी पड़ेगी जिसके ऊपर या तो KYC ना हो या फिर VPN लगाकर हमें यूज करना पड़ेगा। और अगर आप KYC कर देते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर तो उससे क्या कि आपका डेटा डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास जाने वाला है कि आप कितना एसेट ट्रेड कर रहे हैं, कितनी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का सलूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी वीडियो में। तो आप कौन सा एक्सचेंज अभी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारे जो टॉप एक्सचेंजेस जो हम पहले यूज कर रहे थे, चाहे वो बाइनेंस है या फिर STX है, चाहे वो MEX एक्सचेंज है या क्यूकॉइन है, ये सारे के सारे ऑलरेडी बैन होने के पूरे पूरे चांसेस बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस की तो वहाँ पे कॉइन DCX में 2000% का इंक्रीज देखने को मिला है, मर्डरएक्स के ऊपर $1 मिलियन का डिपॉजिट आया है। तो ये सब आ तो रहा है, लेकिन आपको मेजर प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ेगी जब आप TDS के चक्कर में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी समय आया है, अभी बुल मार्केट आई है। तो बुल मार्केट में अगर आपने पैसा नहीं कमाया इतने साल वेट करके तो फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है अगर हम ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। तो ये जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ, वो ऑफर्स भी मैं डालने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे ज्वाइन जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, अगर हम चलते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है वो डेरिवेटिव्स में रहता है और काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टॉप एक्सचेंजेस में से एक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं BitTunix की। तो BitTunix का अभी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स का $7.1 बिलियन का चल रहा है। इसको अगर आप ऊपर जाके कंपेयर करते हो तो कुछ ऐसी एक्सचेंजेस भी हैं जो कि टॉप 20 तो होंगी लेकिन उनका भी इतना ज्यादा नहीं होगा ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये 7 से लेकर $10 बिलियन तक भी चला जाता है कई बार। इसका मेन रीजन क्या है कि अगर आप भी एक कोर ट्रेडर हो, अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप भी यही चाहते हैं कि आपको KYC ना करना पड़े, तभी हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें हम डेक्स की तरह इसको यूज कर पाएंगे, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं जा रही है और बिना KYC के भी हम यहाँ पे ट्रेड कर पा रहे हैं। और बड़ी चीज एक और जो है वो है कि आप यहाँ पे ओवर द काउंटर भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब हमें सबसे बड़ा इश्यू क्या आ रहा है जो हमने FTX एक्सचेंज से देखा है, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी एक्सचेंजेस आई मार्केट में लेकिन वहाँ पे हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी है या नहीं। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज जो है वो इंश्योर कर रही है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, एसेट्स की सिक्योरिटी मिलने वाली है। कस्टडी प्लेटफॉर्म है कोबो के नाम से, तो वो इंश्योर कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर बढ़ते हैं तो एसेट्स की सिक्योरिटी के साथ साथ क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या आती है कि US गवर्नमेंट इंटरफेयर जब करती है, वो बोलती है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो इस एक्सचेंज को बैन कर देती है या फिर एक्सचेंज धीरे धीरे FTX की तरह बंद भी हो सकती है। लेकिन BitTunix ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है और इन्होंने लाइसेंस ऑलरेडी लिया हुआ है US से December 2022 से। तो बहुत कम ऐसी एक्सचेंजेस है जो लॉन्ग टर्म में सोचकर चल रही हैं कि लॉन्ग टर्म रन करना है या फिर आपके एसेट्स की सिक्योरिटीज को सोचकर चल रही हैं, क्योंकि पिछली एक्सचेंजेस जो हम जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, उसके ऊपर यही सबसे बड़े इश्यूज आते हैं जो एक समय तक हमें बड़े इश्यूज नहीं लगते, लेकिन जब हमारा पैसा फंस जाता है, क्रिप्टो करेंसीज वहाँ से बाहर निकालनी मुश्किल हो जाती हैं, तब हमें समझ आता है, जिस कारण मैं आपको आज ही ये सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, यहाँ पे आपको $5,500 का वेलकम बोनस तो ऑलरेडी मिल जाएगा, यानी कि $5,500 का।
तो यहाँ पे फिएट एंड क्रिप्टो डिपॉजिट दोनों वर्क करने वाले। क्रिप्टो डिपॉजिट बिल्कुल फ्री है, लगभग 113 कॉइन्स यहाँ पे अलाउड है और फिएट में यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन फिर भी 23 फिएट टोकन्स यहाँ पे फिएट करेंसीज एक्चुअल में सपोर्टेड है। तो आप चाहे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर या फिर ट्रेडिंग स्टॉप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे काम करने वाले हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि अभी हमें सही एक्सचेंज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सचेंज मिला जिसके ऊपर 125x तक का लेवरेज भी हम लगा सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो आइसोलेटेड एंड क्रॉस मोड्स दोनों यहाँ पे सपोर्टेड हैं एंड आप इजिली फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फ्यूचर्स अकाउंट में और बैक टू स्पॉट अकाउंट। और यहाँ पे PNL का भी आपको डिटेल्स मिलने वाली है, यानी कि आप PNL चेक कर पाओगे, अनरियलाइज PNL को भी चेक कर पाओगे, जो कि बहुत सारी एक्सचेंजेस मिस करती हैं। यानी कि अगर हम आने वाले समय अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पर टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो हम तभी कंक्लूड कर पाएंगे अगर हमें यहाँ पे PNL का पता होगा, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी $1 million USDT का कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो कि इतना बड़ा पूल है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। आपको मैं पहले भी कई बार ऐसी अपडेट्स देता रहता हूं जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो और आपको कुछ ना कुछ बड़ा बेनिफिट मिलता ही मिलता है, तो ऐसे ही आपको यहां पे भी बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करें। तो यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्सेस आपको मिलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने पर, फिर उसके बाद पहला डिपॉजिट कंप्लीट करने पर, फिर उसके बाद KYC वेरिफिकेशन करने पर, उसके बाद अगर आप एक ट्रेड करते हैं तब भी आपको एक बड़ा मिस्ट्री बॉक्स मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे मिस्ट्री बॉक्सेस अवेलेबल हैं और न्यू कमर्स के लिए टास्क यहाँ पे अवेलेबल हैं, $500 से लेकर $200 के आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बोनस मिलने वाले, ये खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए रखा गया है। तो ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, मैंने न्यूज़ वैसे तो कई बार शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं कि जिन एक्सचेंजेस को हम पहले यूज़ कर रहे थे 9 एक्सचेंजेस, वो सारी की सारी पहले ही यहाँ पे स्क्रूटनी में आ चुकी हैं, लेकिन अब सिर्फ वही अच्छी एक्सचेंजेस बची है जिनके ऊपर KYC भी ना हो और बिना VPN के चले और स्क्रूटनी में भी ना आई हो। तो उन्हीं में से एक एक्सचेंज जो आपको बता रहा हूँ वो है BitUnix, जिसमें आपको TDS भी नहीं देना पड़ेगा 1% का, जो कि हर एक ट्रेड के ऊपर हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर लग रहा है। और आने वाले समय में अगर ये जो 9 एक्सचेंजेस हैं जो स्क्रूटनी में आई हैं, अगर ये फॉलो करती हैं, कंप्लाई करती हैं हमारे इंडियन गाइडलाइंस को, तो इसके ऊपर भी फिर से 1% TDS लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉरन एक्सचेंजेस के ऊपर भी लगना शुरू हो जाएगा इन 9 एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन BitUnix के ऊपर ये प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली एंड KYC नहीं होगा, तो क्या है कि हमारा डेटा, हमारा एसेट सब कुछ सेफ रहने वाला है। सेफ्टी का आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डेक्स के बारे में बताया था, जो हमारा DeFiClub.exchange था, जिसके ऊपर आपको स्टेकिंग के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हमारा बेस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो मैंने चूज़ किया है। आपको ये मैंने परसों के दिन भी बताया था कि हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक मैं बेस्ट चूज़ कर रहा हूँ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको बेस्ट ऐसा सेंट्रलाइज एक्सचेंज बताऊँ जिसमें KYC भी ना हो, VPN भी ना हो और किसी भी तरह का रिस्क भी इन्वॉल्व ना हो। तो ये फाइनली आज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसके ऊपर साइन अप कीजिए और अपनी UID नीचे कमेंट कर दो, ताकि आने वाले समय में अगर मैं किसी को रिवॉर्ड देना चाहूँ तो आप उनमें से एक जरूर रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।